राजू दे पिता जी थर्मल प्लांट विच इंजीनियर सन। हुण उन्हां दी बदली दूर नवे बन रहे थर्मल प्लांट विच हो गई सी। पहले स्थान तो बहुत दूर होण करके राजू दे सारे परिवार नू उत्थे जाना पैना सी। नवा थर्मल प्लांट शहर तो काफ़ी दूर दे इलाके विच बन रहा सी। उत्थे काम करन वालियां लई नवी कलोनी बनाई गई सी। राजू नू उत्थों दे स्कूल विच दाखल करवाया गया, पर राजू दा उत्थे बिल्कुल दिल नहीं लग रहा सी। उस नू अपने शहर विचले दोस्त याद आ रहे सन। वो घर आके अपनी मम्मी नू कहन लगा, मेरे इत्थे कोई दोस्त नहीं हन, मैनू इत्थों दे लड़कियां दीआं गल्लां चंगीआं नहीं लगदीआं, वो मेरी बोली दा मखौल उड़ाउंदे हन। उस दी मम्मी ने समझाया कि थोड़े दिनां विच उस दे इत्थे भी दोस्त बन जाणगे, फिर उसका दिल लग जाएगा। राजू दी मम्मी दी गल ठीक निकली। कुछ दिनां बाद ही नवे स्कूल विच भी राजू दे बहुत सारे दोस्त बन गए। इस इलाके विच बहुत सारियां अजिहियां चीज़ां सन जो उसने पहला नहीं सन देखियां। इस तरह उसनू बहुत सारियां नवियां गल्लां दा पता लग्या। कुछ दिन बाद राजू दी उत्थे काफ़ी जान पहचान हो गई। राजू ने देखा कि उत्थे काम करन वाले बहुत सारे लोग दूसरे सूबियां तो आए हन। उन्हां नू प्रवासी लोग कहा जाता है। वो छोटे छोटे कमरियां विच रह रहे सन। मीह हनेरी आउण ते उन्हां नू बहुत मुश्किल आउंदी सी। उन्हां दे बच्चे स्कूल नहीं जांदे सन। उन्हां दी भाषा वक्खरी होण करके वो इत्थों दे स्कूल विच पढ़ नहीं सकते सन। वो सारा दिन इधर उधर घूमते रहिंदे सन। राजू ने अपने पिता जी नू पुछा कि ये बच्चे किवें पढ़ाई करनगे, तां उन्हां दस्या कि सरकार वल्लों इत्थे दूसरे सूबियां विच्चों आए बच्चियां दी पढ़ाई लई एक विशेष प्रबंध किया जा रहा है। सरकार वल्लों विशेष अध्यापक भी नियुक्त किए गए हैं जो उन्हां दे रहन वाले स्थान ते जाके उन्हां नू पढ़ाउणगे। की ओह हमेशा इसे तरह ही रहिंदे सन? नहीं, अपने सूबे विच तां इन्हां दे घर भी हन। कुछ कोल जमीन आदि भी है, पर उत्थे खेती तो पैदावार बहुत घट हुंदी है, इसलिए इन्हां नू रोजगार लई दूर दूर जाना पैंदा है। पर इंज दूसरे थां आके तां इन्हां नू बहुत मुश्किल हुंदा होवेगा, आपां नू ही किन्ना औखा लग रहा है। ए तां अपने घरां तों बहुत ही दूर दूसरे सूबे विच आए होए हन। हां, हुंदा तां है, इन्हां दे परिवारां दे कुछ जी उत्थे रह जांदे हन। इन्हां नू अपने भैन भरावां तों दूर आउणा पैंदा है। बच्चे पढ़ नहीं सकदे, पर इत्थे इन्हां नू कमाई वध हो जांदी है। इस विच्चों कुछ पैसे बचा के ये अपने घर भेज दिंदे हन, जिस नाल उधरले परिवार दा गुजारा चलदा रहिंदा है। पिता जी, पर अपने शहर विच्चों झुग्गियां वालियां नू क्यों उजाड़िया गया सी? ओ तां उत्थे आसपास ही घरां विच कम करदे सन। उन्हां नू उत्थों हटाउणा सरकार दी मजबूरी सी। उत्थे आवाजाई दे साधन बहुत वध जाण कारण सड़क चौड़ी करनी सी, पर सड़क किनारे उन्हां दीआं झुग्गियां सन। उह रुजगार दी खातर उत्थों नहीं गए, सगों उन्हां दा तां पहला रुजगार भी खत्म हो गया। हुण उन्हां नू नवीआं थावां उत्ते अपने रहन लई अते रोजी रोटी दा प्रबंध करना पवेगा।